हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जनित स्किल्ड में। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, आज मैं लाइव क्लासरूम की वीडियो दिखाने वाला हूं कि हम किस तरह से जो ऑफलाइन हमारे स्टूडेंट होते हैं उनको थ्योरिकली सेंटर पर पढ़ाते हैं। और दोस्तों, आज मैं बहुत ही मोस्ट इंटरव्यू का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर जो समझाने वाला हूं, तो आइए दोस्तों समझेंगे। तो दोस्तों, जो क्वेश्चन है वो है डीजी के कितने स्ट्रोक होते हैं। आंसर, डीजी के 4 स्ट्रोक होते हैं। नंबर 1 इंटेक इंडक्शन स्ट्रोक, यानी कि इसे हम सक्शन स्ट्रोक भी बोल सकते हैं। नंबर 2 कंप्रेशन स्ट्रोक। नंबर 3 पावर स्ट्रोक। नंबर 4 ऑग्जेस्ट स्ट्रोक। तो इस तरह से दोस्तों समझ गए आप लोग, डीजी के 4 स्ट्रोक होते हैं। यहां पे मैंने इन सभी स्ट्रोकों की डेफिनेशन भी लिखी हुई है। तो यहां पे दोस्तों हमारे जो सभी डेफिनेशनों पे एक वर्ड बहुत उपयोग किया गया, टीडीसी और बीडीसी। आइए दोस्तों सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये टीडीसी और बीडीसी है क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो दोस्तों, ये मैंने सिलेंडर का नक्शा बनाया, ये हमारा डीजी का सिलेंडर है और इसके सबसे ऊपरले स्थान को हम टीडीसी बोलते हैं, यानी कि टॉप डेड सेंटर, और सबसे निचले स्थान को हम बीडीसी कहते हैं, बॉटम डेड सेंटर। यहां पे मैंने इनकी फुल फॉर्म भी लिखी हुई है, टीडीसी टॉप डेड सेंटर, बीडीसी बॉटम डेड सेंटर। आइए दोस्तों, यहां पे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और मैं बताने वाला हूं, वो है कि ये जो हमारा डीजी का सिलेंडर होता है, डीजी के सिलेंडर के अंदर कितने वाल्व होते हैं। तो दोस्तों, जो डीजी का सिलेंडर होता है उसके अंदर 3 वाल्व होते हैं। नंबर 1 इंटेक वाल्व, नंबर 2 इंजेक्टर वाल्व और नंबर 3 ऑग्जेस्ट वाल्व। आइए दोस्तों, अब हम ये डीजी के जो चारों स्ट्रोक हैं इनकी डेफिनेशन समझेंगे कि ये चारों स्ट्रोक हमारे कैसे कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पे है इंटेक इंडक्शन स्ट्रोक या सक्शन स्ट्रोक। इन दिस स्ट्रोक पिस्टन मूव फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी, एयर इनलेट वाल्व ओपन्स एंड एयर इंटर्स इनटू लो प्रेशर एरिया। तो दोस्तों, इसका मतलब यह है पिस्टन हमारी, यहां पिस्टन हमारी यू आकार की होती है दोस्तों, पिस्टन हमारी टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करेगी और उस कंडीशन में हमारा ये इनलेट वाल्व खुल जाता है और इनलेट वाल्व से एयर हमारी लो प्रेशर एरिया यानी कि सिलेंडर के अंदर चली जाती है। नंबर 2 कंप्रेशन स्ट्रोक। इन दिस स्ट्रोक एयर इंटेक एंड ऑब्जेस्ट वाल रिमेन क्लोज एंड पिस्टन मूव फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी, एयर इज कंप्रेस एट द एंड ऑफ स्ट्रोक, फ्यूल इज इंजेक्टेड। कंप्रेशन स्ट्रोक में दोस्तों होता क्या है, इसमें साफ लिखा हुआ है एयर इंटेक एंड ऑब्जेस्ट वाल हमारे क्लोज हो जाते हैं, रिमेन क्लोज एंड पिस्टन मूव फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी, और पिस्टन हमारी बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करती है, एयर इज कंप्रेस यानी कि
इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व हमारे बंद हैं और एक निश्चित स्थान के अंदर ऑक्सीजन भर चुकी है। पिस्टन हमारी एयर को कंप्रेस करती हुई बीडीसी से टीडीसी की तरफ ला रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, ऑक्सीजन हमें पहले से मिल गई, फिर ये जो एयर पिस्टन हमारी एयर को कंप्रेस करती हुई ला रही है तो वहां दाब की वजह से हमें टेम्परेचर भी मिल गया। तो दोस्तों आपने ये पढ़ा भी होगा कि आग लगने के लिए तीन चीज आवश्यक है, ऑक्सीजन, ईंधन और टेम्परेचर। जहां इन तीनों का ट्रायंगल बन जाएगा आग लग जाएगी, और जहां आप इन तीनों में से कोई सा भी एक तत्व डेडिकेट कर दोगे या हटा दोगे तो आग बुझ जाएगी। तो दोस्तों यहां पे हमें ऑक्सीजन मिल गई और दाब की वजह से टेम्परेचर मिल गया। फ्यूल इज इंजेक्टेड, फिर हमारा इंजेक्टर वाल्व खुल जाता है और इंजेक्टर वाल्व से हमारा फ्यूल स्प्रे सिलेंडर के अंदर होता है। पावर स्ट्रोक, इन दिस स्ट्रोक इंजेक्टेड फ्यूल इग्नाइट एंड ब्रंट फ्यूल टर्न इनटू गैसेज एट द हाई प्रेशर ड्यू टू विद इन पिस्टन विच पिस्टन मूव टू वर्ड बीडीसी। इसमें इन दिस स्टॉक इंजेक्टेड फ्यूल, जो हमारा फ्यूल इंजेक्टेड हुआ है वो इग्नाइट हो जाता है यानी उसमें ब्लास्ट हो जाता है ब्रंट फ्यूल इनटू द गैसेज, और ब्रंट फ्यूल गैस में चेंज हो जाता एट हाई प्रेशर ड्यू टू विच पिस्टन मूव टुवर्ड बीडीसी, और पिस्टन हमारी टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव कर जाती है। नंबर चार पे है एग्जॉस्ट स्ट्रोक, इन दिस स्ट्रोक एग्जॉस्ट वाल्व ओपन पिस्टन मूव फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी द ब्रंट गैसेज आउट द सिलेंडर। फिर पिस्टन हमारी बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करती है और एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है और एग्जॉस्ट वाल्व से जो भी हमारा फ्यूल ब्रंट हुआ है वो गैस बन के आउटलेट द साइलेंसर, साइलेंसर के थ्रू बाहर निकल जाता। तो इस तरह से दोस्तों बने रहिए हमारे जनित स्केल के साथ में, और भी इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए, और दोस्तों हमारा 1 मंथ का ऑफलाइन कोर्स रहता है जिसमें हम थ्योरिकली सेंटर पर और प्रैक्टिकली प्रॉपर साइड पर ले जाकर हर इक्विपमेंट के बारे में प्रॉपर समझाते हैं। और दोस्तों सबसे खास बात यह है कि हमने हॉस्टल फैसिलिटी बिल्कुल फ्री में दी हुई है, हॉस्टल फैसिलिटी का कोई चार्ज नहीं है, और यह 1 मंथ का कोर्स कंप्लीट करने के बाद हम 100% जॉब प्लेसमेंट कराते हैं और जॉब प्लेसमेंट का भी कोई चार्ज नहीं लेते। आइए दोस्तों अब बात करते हैं हम फीस की, कि हमने कोर्स की फीस क्या रखी हुई है। तो दोस्तों जो कोर्स की फीस है वो मात्र हमने 2500 रुपये फीस रखी हुई है, जिससे आसानी से हमारे स्टूडेंट लाइफ के साथी हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकें। और 2500 रुपये हम जैसे ही बच्चे को जॉब प्लेसमेंट करा देते हैं तब लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों जो कोर्स की टोटल फीस है वो मात्र 5000 रुपये है। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने टेक्निकल के साथियों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।